कांग्रेस के नेताओं के होंठ सिल जाते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलते कि एक दिन के बाद ही कांग्रेस एक अभियान छेड़ती है, लेकिन इस पर जवाब नहीं देती कि काला धन इतना आया कहां से, ये पैसा किसका। कांग्रेस और विपक्ष राजनीति करने का बहाना ढूंढ रहा है, सदन ना चलने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति नहीं कर। राजनीतिक दलों को एकजुट होकर एक स्वर में कहना चाहिए था कि ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को सख्त से सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, जांच भी हो, कार्रवाई भी हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। 1976 से लेकर आज तक पार्लियामेंट में कभी भी इस तरह की घटना घटी हो, चाहे तेलंगाना बिल पर कांग्रेस के ही सांसद ने पेपर स्प्रे लेकर जो पार्लियामेंट में किया था वो देश भूला नहीं है, किसी सांसद के द्वारा गन मिलना उसके पास ये भी देश भूला नहीं है, लेकिन कभी इस तरह की राजनीति नहीं की गई। कांग्रेस और विपक्ष राजनीति करने का बहाना ढूंढ रहा है, सदन ना चलने का बहाना ढूंढ रहा है। अगर विपक्ष के पास चर्चा करने के लिए कुछ नहीं तो कम से कम ऐसे गंभीर विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। स्पीकर महोदय ने पहले दिन ही कहा था और सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक की थी, आगे भी उन्होंने कहा कि आपके सुझाव आमंत्रित करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था में जो सुधार करना होगा वो भी करेंगे। अब ये सब करने के बाद भी विपक्ष सुझाव देने तो आता नहीं लेकिन राजनीति करने से बाज नहीं आता है। इससे पता चलता है कि तीनों राज्यों में हुई अपनी हार से ध्यान हटाने के लिए अब ओछी राजनीति पर उतरा है। अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाना नहीं चाहता विपक्ष, तभी तो इस तरह का काम हो रहा है। आखिरकार सदन चर्चा करने के लिए ही तो है। अभी कांग्रेस का 353 करोड़ रुपया कैश उनके सांसद से मिलना, कांग्रेस के सांसद से 353 करोड़ रुपया कैश मिला है, सोना चांदी प्रॉपर्टी ये सब अलग है। आप कल्पना कीजिए उसके एक दिन के बाद ही कांग्रेस एक अभियान छेड़ती है, लेकिन इस पर जवाब नहीं देती कि काला धन इतना आया कहाँ से, ये पैसा किसका था, क्यों इकट्ठा किया गया। आखिरकार कांग्रेस लगातार नोटबंदी के खिलाफ, काले धन के खिलाफ क्यों बोलती रही, कांग्रेस ईडी सीबीआई के खिलाफ लगातार बयानबाजी क्यों करती रही। अब देश के सामने कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है कि कभी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से 42 करोड़ पकड़े जाते हैं तो दूसरे से 353 करोड़ पकड़े जाते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपये की घूस देने का आरोप महादेव ऐप में लगता है तो दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री में सचिवालय में ही करोड़ों रुपये नकद और सोना भी मिलता है। ये कल्पना कीजिए कांग्रेस के नेताओं के पास ही क्यों मिलता है और उसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं के होंठ सिल जाते हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी एक शब्द नहीं बोलते। और कर्नाटक में जो एक महिला के साथ घटा वो शर्मनाक करने वाला था। जो कभी दूसरे राज्यों में राजनीति करने चले जाते थे वो कर्नाटक में, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, 42 साल की महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, कानून व्यवस्था ठप रहती है, लेकिन ना परिवार जाता है ना पार्टी के लोग जाते हैं। इससे पता चलता है ये लोग महिला सम्मान के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। तभी तो राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2 लाख महिला अपराध की घटनाएं, 35,000 रेप दुष्कर्म की घटनाएं, ये सामान्य बात वहां पर हो चुकी थी। दुष्कर्म के बाद हत्या सामान्य बात थी। राहुल गांधी जी बांसवाड़ा जाते हैं लेकिन भीलवाड़ा नहीं जाते जहां एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म किया जाता है, उसकी हत्या की जाती है। इससे सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस के राज्यों में महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं।